बहराइच में भीषण सड़क हादसा, 5 की दर्दनाक मौत। बहराइच में गुरुवार रात 1 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। ऑटो सवार लोगों को लखनऊ बहराइच मार्ग पर डंपर ने रौंद दिया। हादसे में ऑटो सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मृत लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सभी लोग तिलक कार्यक्रम से वापस अपने घर आ रहे थे। जिले के हुजूरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोलानी निवासी मंशा राम की बेटी का विवाह कैंसर गणज कोतवाली क्षेत्र के रुकनापुर गांव से तय हुआ था। गुरुवार को तिलक कार्यक्रम था, जिस पर मंशा राम रिश्तेदार और परिवार के लोगों के साथ तिलक लेकर रुकनापुर गांव ऑटो से गया था। तिलक कार्यक्रम निपटाने के बाद सभी रात में वापस लौट रहे थे। रात 1 बजे के आसपास सभी ऑटो सवार लखनऊ बहराइच मार्ग पर कैंसर गणज कोतवाली के मदनी हॉस्पिटल के सामने पहुंचे, जहां तेज रफ्तार में डंपर ने ऑटो को रौंद दिया। हादसे में मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, इसमें लड़की की बहन भी शामिल है, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। कोतवाल गर्दन सिंह, सीओ कमलेश सिंह, एसडीएम महेश कुमार कैथल भी पहुंच गए। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। कोतवाल ने बताया कि हादसे में ऑटो सवार 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि डंपर चालक दुर्घटना के बाद फरार हो गया है। उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है। मची रही अफरा-तफरी लखनऊ बहराइच मार्ग पर रात 1 बजे के बाद हुए हादसे से पुलिस और प्रशासन में अफरा-तफरी मची रही। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ डीजी ऑफिस लखनऊ समेत अन्य अधिकारियों के फोन रात भर बजते रहे। सुबह 5 बजे लोग अपने क्षेत्र को। तुम्हारा क्या नाम? मंशा राम। अच्छा, ये किसकी तिलक थी? हमारे लड़के को। अच्छा, क्या हुआ, कैसे हादसा हुआ? शायद तिलक चढ़ा के हम लोग घर जा रहे थे, उधर से डैम्पर आ रहा था, वो मार दिया मदनी हॉस्पिटल के सामने। कितने लोगों की? 5 लोग। घायल? 8 लोग। ये और शादी कब? शादी 15 तारीख। हाँ, इसी में 15 में। तो ये हादसा किस जगह पर? मदनी हॉस्पिटल। तो तिलक चढ़ाने के लिए कौन लोग, कितने टाइम तक आ रहा था? उधर सर टाइम पर आ रहा था, हम लोग जा रहे थे। तो मौत कहाँ, 5 की मौके पर हुई? हाँ, मौके पर हुई, मदनी हॉस्पिटल के सामने। और कौन का इलाज चल रहा है? 8 लोग का जो इलाज भी कराया, एडमिट कराया, इलाज तो चल रहा है। थाना हमारा हुजूरपुर। जहाँ हुई है, कौन सा थाना लगे जहाँ घटना हुई है? सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल।